हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का पेपर हमारे पास A05 कोड है, कैसा आया है इसका सॉल्यूशन देखेगा आपका, जिनका कल एग्ज़ाम है वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल नॉलेज से है। जनरल नॉलेज से जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 68 किससे संबंधित है, तो दूसरा है सीरिया की राजधानी, म्यांमार मुद्रा। दोस्तों, इसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन पूरे पेपर का हम आपके लिए लेकर आएंगे, देखिए क्वेश्चन का, आप जिनका कल एग्ज़ाम हो देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश, उत्तरी अमेरिका की निम्नलिखित में कौन सा देश, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की, क्वेश्चन नंबर 7 नर्मदा नहीं पहली वाली का, जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत का छत्तीसगढ़ का एक विशेष नक्सल विरोधी अभियान चलाया है, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा शिमला समझौता के लिए पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 था 2018। करंट से क्वेश्चन शायद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित निदेशक, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के लिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी दर के बीच क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15, एक बार जाने वाले के बाद गर्म जमा नहीं आ जाने के लिए प्लास्टिक को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 16, व्यस्क इंसान हार्मोन्स के रूप में 24 घंटे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 1939 में विटामिन के, क्वेश्चन नंबर 19 देखेगा, इनसाइड आईबी के लिए पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 20, किस संशोधन ने संसद को राज्य विधानमंडल सेवा के लिए आमंत्रित करने का कानून बनाने के लिए यह है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 22, जकार्ता एशिया के लिए 2016 मेडल जीतने वाला 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर प्रदेश का, देखिए उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी जीके पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का मुख, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीवक भक्ति जारी के लिए जाना जाता था, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रति सिद्धार्थवादक नाम उत्तर कहाँ के निवासी थे, देखिए उत्तर प्रदेश से काफ़ी जीके पूछी जा रही है। कल के एग्जाम के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जीके को जरूर तैयार करें। तीसरी बौद्ध संस्कृति, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 से जानते होंगे, चमेरी कुम्हनिकर नायर निम्न किस कृत्य के लिए निर्तक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखेगा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या था, क्वेश्चन नंबर 35 अनुच्छेद पूछा गया था भारत में निम्नलिखित भारत की नागरिकता से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 तक जीके था, क्वेश्चन नंबर 39 से आपका मैथ शुरू हो जाए, क्वेश्चन नंबर 39 मैथ शुरू हो जाता है यहाँ से आपका, क्वेश्चन नंबर 40 नीचे दी गई कौन सी संख्या बाण से पूर्णतः विभक्त होगी, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, 200 यानी हम कह सकते हैं जो मैथ है आपका जो पहले पेपर था सेम उसके जैसा पेपर का मैथ है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 क्या था, सुविक को 198 वस्तु बेचने पर 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत का बढ़ाना चाहिए, एक खिलौने का रियायती मूल्य ₹1,700 दिया था, क्वेश्चन नंबर 146 देखेगा दोस्तों, 146 थे एक क्वेश्चन करके देखा गया है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48 अनुपात का क्वेश्चन है, एक्स अनुपात 4। दोस्तों, इसका बहुत जल्दी हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये जिनके कल एग्ज़ाम है उनके लिए पेपर है वो देख सकते हैं एग्ज़ाम किस टाइप का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, पालसन संबंधी है, घंटे संबंधी है, कार्य संबंधी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 54 था, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57, 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापन थे। मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चन थे दोस्तों, मेंटल एबिलिटी आप रीजनिंग शुरू हो जाती है आपसी 57 के बाद, 58 नंबर का क्वेश्चन सीरीज से था, 15, 6, 18, 9 आप देख रहे हैं 3 डिक्रीज कर रहा है, 15 के बाद 18 बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है तो वहाँ क्या आएगा आंसर कुछ में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 सीरीज से था, क्वेश्चन नंबर 60 भी सीरीज से है, क्वेश्चन नंबर 61 भी सीरीज से है, क्वेश्चन नंबर 62 भी देखिए दोस्तों क्या है दिशा संबंधित क्वेश्चन से। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्दी, अब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 तर्क संबंधी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 63 तर्क संबंधी क्वेश्चन था, तर्क संबंधी तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 64 था एक क्वेश्चन करके, इसका भी तर्क देना था आपको, बताना था कि कौन सा पर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 65, अच्छा भाई
क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या था? एमीटर धारा सिस्मोग्राफ क्या नापता है? सिस्मोग्राफ जानते होंगे भूकंप नापता है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 66 था मक्खी झुंड घुड़सवार क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं लार्वा किससे संबंधित है? लार्वा संबंधित है कीट से। दे गए विकल्प बांग्लादेश, ढाका, इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी क्या होती है? रोम। EFG का कोड करके दिया गया था, OPQ का कोड पूछा गया था आपसे कि क्या कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का देख लिया गया, एक सीरीज है EVMN JQ, उसका आंसर क्या होगा? दोस्तों हम बहुत जल्दी इसका आंसर आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 BC को 235 दिया था, KMQ को पूछा था। क्वेश्चन नंबर 72, एक शिक्षक स्कूल एम्पायर क्या है? तो एम्पायर मैदान। क्वेश्चन नंबर 73 था। क्वेश्चन नंबर 74 था, श्रृंखला में दिया था AEIO, तो जानते होंगे सारे क्या हैं? स्वर हैं, तो आपका क्या जाएगा आंसर? यू। CFIU भी सीरीज से क्वेश्चन था। दोस्तों सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको सजेस्ट करता हूं कल सीरीज का क्वेश्चन जरूर पढ़कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 77 सीरीज से कोडिंग सब्जेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 80 देख लिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82, रेना की माँ रोहिणी एकमात्र पुत्री के लिए ब्लड रिलेशन से सवाल था। दोस्तों एक किक बॉक्सर ने ब्यूटेशन से कहा कि आपकी माँ मेरी पत्नी, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। विकल्पों में से छांटना था सेमिसिस्ट, सेमेटिक्स, भाषा, नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी गुर्दे के होते हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा। 85 देख लेगा, माली खुरपी सर्जन क्या रखता है? दोस्तों इसका हम जल्दी स्कैन फेल रखता है जिससे आप वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखेगा, क्वेश्चन नंबर 87 बीस से ही जुड़ा था, तेलुगु कन्नड़ के लिए संबंधित हो क्वेश्चन था। आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ रखे थे 88 का क्वेश्चन का क्या देख। दोस्तों मैं ऐसे आपसे बता रहा हूँ, बहुत जल्दी इसके आंसर बता देंगे, अभी हम आपको क्वेश्चंस बताना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 था, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेगा, पाई चार्ट से क्वेश्चन है। पिछली बार पाई चार्ट से इतने क्वेश्चन नहीं थे, अब की बार पाई चार्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आकृति से संबंधित क्वेश्चन से आकृति संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर भी आकृति से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें आपसे आकृति का आंसर पूछा गया था। उस शब्द का चुने जो समूह दूसरे शब्दों से समान नहीं है, चूहा, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, तो ये सारे क्या हैं? स्तनपाई। इसका आंसर जल्दी ही बता देंगे। दोस्तों हम अभी आपको क्वेश्चंस बताना चाहते हैं, उस शब्द को चुने दूसरे शब्द से समान नहीं है, सम विषम का क्वेश्चन आए थे उसे छांटना था। 96 देखेंगे, 96 में भी क्या है? समान नहीं है, कौन सा पता? आकृति संबंधित क्वेश्चन था 97। अब दोस्तों देखते हैं 98 क्वेश्चंस क्या है। 98 भी क्वेश्चन आकृति से था, क्वेश्चन नंबर 99 भी आकृति से था, क्वेश्चन नंबर 100 भी आकृति से ही क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 101 क्या क्वेश्चन कहता है। 101 भी आकृति से संबंधित, शायद ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, सेम वही क्वेश्चन अब की बार भी लगातार रिपीट कर दिया गया है। ये देखेगा क्वेश्चन नंबर 102 भी इससे है, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 104। दोस्तों जल्दी ही इसके आंसर हम आपके लिए कराएंगे सीरीज से संबंधित क्वेश्चन से। पासा संबंधी क्वेश्चन आ गया है, पासे के लिए क्या क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 106 देखेगा, क्वेश्चन नंबर 107 सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 भी सीरीज से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 50 छात्रों के दीपक में, ये आपके ऑर्डर रैंकिंग से सवाल आया है 109 ऑर्डर रैंकिंग। एक क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका भी ऑर्डर रैंकिंग से ही सवाल है, तो आप ध्यान दें आपको क्या पढ़ कर आना है। क्वेश्चन नंबर 111 देखेगा, ये भी ऑर्डर रैंकिंग से है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेगा, क्वेश्चन नंबर 112 भी आपका ये कैलेंडर से सवाल आया है, कैलेंडर के भी 2-3 सवाल है। दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या तैयारी करके आनी है, किस तरह की तैयारी करके आनी है। तो 113 तक ये आपका मेंटल एबिलिटी है, अभी हिंदी शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 121 के बाद में हिंदी शुरू हो जाती है। हिंदी का पहला क्वेश्चन था वर्णों की बार बार आवृत्ति में कौन सा अलंकार होता है, पहला क्वेश्चन से ये था। दूसरा क्वेश्चन 122 था, शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है, ये पूछा गया था। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन पूछा गया था, शिक्षक पढ़े पाठ पढ़ाया कौन सा कारक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो हिंदी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अब की बार।
क्वेश्चन नंबर 129 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 129 से क्या सवाल आ रहा है, विशेषण संबंधी पूछा गया है, बोध कराने वाले शब्द निम्न में कौन सा कार्यकाल कहलाता है, ये पूछा गया है संस्कृत की भाषा में हिंदी का परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 क्या है। क्वेश्चन नंबर 134, अग्रज का विलोम क्या होगा, धन का मतलब क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अब क्वेश्चन 137 देखते हैं, 137 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 138 अन्य ध्यान सही भेद बताना था। 139 निरपुण शब्द में उपसर्ग है, खिलौन शब्द में मूल शब्द है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, ये पूछा गया था। उन्होंने कहाँ जाना वाक्य में किस प्रकार का। दोस्तों प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी ही इसका सेकंड शिफ्ट आंसर फोर सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। उर्वशी किसकी रचना है, ये पूछा गया था। 140 व्यस्त की स्थिति में मोबाइल फ़ोन करना क्या कहलाता है, ये चीज़ पूछी गई थी। आप ये आप समझ सकते हैं, ये आपकी जनरल चीज़ें पूछी गई थी, आपकी माइंड पर निर्भर करता है। ये आपको पहले ग्राफ दिया गया था 145 से 149 तक, और उसके बाद में इसमें से आपको आंसर छांट के लिखना था, पैराग्राफ बोल देते हैं जिसको। 145 नंबर क्वेश्चन था, कार्य के संदर्भ में उपयोगिता की परिभाषा क्या होती है। व्यस्तता की स्थिति में फ़ोन का कारण क्या कहलाता है, मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं, यह भी पूछा गया था। मोबाइल फ़ोन में प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, यह भी पूछा गया था। गद्यांश 29 शीर्षक है, ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 150 कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों कृति से भी एक क्वेश्चन आया है, तो ये आज का पेपर था, जो फुल पेपर था वो हमने 150 क्वेश्चन आपको बता दें। दोस्तों प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम इसका सॉल्यूशन जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकें और आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।